हेलो दोस्त, आपका भाई फिर से हाजिर है आपके सामने एक छोटी सी टर्म लेकर के। टर्म छोटी हो या बड़ी हो फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है तो इतनी सी चीज से कि क्या आपको आता है। अगर आपको आता है तो आपके लिए छोटी टर्म हो सकती है, लेकिन जिनको नहीं आता है दोस्तों उनके लिए हर छोटी से छोटी टर्म बन जाती है बहुत बड़ी टर्म। तो आज हम बात करने वाले हैं माइनस ऑपरेटर की। माइनस नाम से ही पता लग रहा है दोस्तों, ये वही वाला माइनस है जो आपने कभी अर्थमेटिक में यूज किया होगा, मैथमेटिक्स में यूज किया होगा। घटा इसको बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन इसको बोलते हैं, माइनस इसको बोलते हैं। तो दोस्तों हम माइनस की बात करने वाले। आपको लॉजिकली तो समझ में आ गया होगा मैंने मैथमेटिक्स का नाम यहाँ पे ले दिया है। तो अगर माइनस की बात करूं तो बट ऑब्वियस है, किसी एक बड़ी वैल्यू से एक छोटी वैल्यू को माइनस करने की बात चल रही है। और अगर वो वैल्यू सच में माइनस होने वाली है तो वैल्यू उसमें से घट जाती है। लाइक ऊपर 10 है नीचे 6 है, आपने घटाया तो 4 इसका आंसर आ जाएगा। कुछ इलॉजिकल होगा तो आंसर नहीं आएगा टेक्निकल टर्म में। तो अब इसको टेक्निकल से कोरिलेट करते हैं, बोर्ड के ऊपर चलते हैं और समझते हैं इसको। दोस्तों माइनस की बात कर रहा हूं, दो सर्कल बने हुए हैं, अच्छा लग रहा है देखने में कि कुछ डायग्राम बना हुआ है। यहां पे एक ब्लैक सर्कल है एक रेड सर्कल है। दोस्तों यहां पर सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि सर्कल्स क्या है। सर्कल्स है मेरे वैल्यूज, किसी एक टेबल से आने वाली वैल्यूज या किसी डिफरेंट टेबल। मतलब एक सर्कल रेड है एक ब्लैक, मतलब ये दोनों सेम टेबल भी हो सकती है, दोनों डिफरेंट टेबल भी हो सकती है। अगर ये दोनों सेम टेबल्स हैं तो किसी ना किसी कंडीशन पे ये अलग अलग डेटा ला रही होंगी। क्लियर? तो ब्लैक और रेड सर्कल के अंदर फॉर एग्जाम्पल एक ही टेबल का पहले सिनेरियो डिस्कस करते हैं। एक ही टेबल से कुछ डेटा आ रहा है किसी एक कंडीशन पे, दूसरे सर्कल में फिर से सेम टेबल से किसी और कंडीशन पे डेटा आ रहा है और आपको उसमें से कुछ डेटा हटाना है। तो कैसे हटाएंगे? फॉर एग्जाम्पल पहले वाले सर्कल में 10 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स मस्ट बी सेम, उनमें आने वाली वैल्यू मस्ट बी सेम दोनों में। तो अगर पहले वाले सर्कल के अंदर 4 कॉलम थे, चारों के डेटा टाइप सेम थे, सेकंड वाले सर्कल में भी 4 कॉलम थे, सेम टेबल से डेटा आ रहा था, तो अगर मैं माइनस करूंगा तो जो मेरा डुप्लीकेट डेटा होगा, जो डेटा मेरा ऊपर वाले में भी होगा, जो डेटा नीचे वाले में होगा, वो दोस्तों हट जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर? पहले वाले में 10 रिकॉर्ड थे जिसमें 4 रिकॉर्ड वो भी थे जो नीचे वाली मेरे सर्कल में आ रहे थे, तो वो हट जाएंगे और मेरे पास यहां पर यूनिक रिकॉर्ड रह जाएंगे, जैसा कि मैं यहां दिखा रहा हूं। मतलब जो दोनों में मैच करते थे वो वाला डेटा यहां से माइनस हो जाएगा। क्लियर? और जो उसमें आते ही नहीं थे वो तो आएंगे ही नहीं, और वो डेटा रह जाएगा जो मेरा यूनिक डेटा था वो मुझे यहां पर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों? मतलब कहीं ना कहीं माइनस हो गया। तो ये दोस्तों दोनों तरफ चल सकता है, सेम टेबल पे भी डिफरेंट टेबल पे भी। वैल्यू मस्ट बी सेम होने चाहिए, कॉलम मस्ट बी सेम होने चाहिए, तभी मेरा माइनस चलता है। ठीक है? तो एक बार लैब की तरफ चलते हैं, माइनस के इस छोटे से कंसेप्ट को करके देख लेते हैं। छोटा सा कंसेप्ट है, मुझे लगता नहीं ज्यादा टाइम लगेगा, सो लैब में चलते हैं, छोटा सा एग्जांपल करते हैं, अपने इस कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। माइनस ऑपरेटर बहुत ही ज्यादा सिंपल है, एक्सेल पे इसको इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ही टेबल है और फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दूसरी टेबल ये है, चाहे ये एक ही टेबल हो या डिफरेंट टेबल के अंदर सेम डेटा हो, फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। अगर मैं यहां पे ये बोल दूं कि मुझे ए वाली टेबल से माइनस करनी है बी वाली टेबल, तो बट ऑब्वियस है, देखिए यहां पर डिपार्टमेंट 10 का डेटा है, यहां पर 10, 20, 30 सबका डेटा है, और यहां पर अगर मैं इसमें से 10 वाला डेटा माइनस कर दूंगा तो बट ऑब्वियस है कि ये वाला डेटा और ये वाला डेटा दोनों के दोनों रिजल्ट मेरे हट जाने चाहिए और फाइनल रिजल्ट जो है वो मेरा ये आ जाना चाहिए। माइनस ऑपरेटर बेसिकली यही करता है कि दूसरी टेबल का एग्जैक्टली मिलने वाला सेम डेटा ही दोस्तों ये माइनस करता है। ऐसा नहीं है कि एक कॉलम के अंदर कोई और वैल्यू होगी और दूसरे कॉलम के अंदर, पूरी पूरी रो का अगर इसको मैच मिलता है तो ही ये डेटा 10 वाला हटेगा, अदरवाइज ये डेटा नहीं हटेगा। एक बार इसको एसक्यूएल के थ्रू भी करके देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये मेरी एम्प्लॉय की एक टेबल है जिसको मैं ए टेबल बोल रहा हूँ, जैसा हम यहां देख सकते हैं। दूसरी भी एम्प्लॉय टेबल है बट उसको मैंने बी नाम दिया यहाँ पे, और उसके अंदर वेयर कंडीशन लगा दिया कि 10 नंबर डिपार्टमेंट जो है उसका ही डेटा यहाँ पे आए। तो इसको चला के देखते हैं। देखिए दो रोज यहाँ पे आ रही है जैसा मैंने यहां भी दिखाया। अब अगर ए टेबल से बी टेबल को माइनस कर देता हूं, माइनस ऑपरेटर को यूज करके अगर ए टेबल से बी टेबल को पूरा पूरा माइनस कर देता हूं, तो देखिए
कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स यहाँ पे आने चाहिए, यहाँ पर 11 नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हो जाते हैं। अगर आप देखेंगे तो 10 नंबर रो, क्योंकि सेम टेबल से हम काम कर रहे हैं तो बट ऑब्वियस है कि पूरा पूरा डेटा मैच कर ही जाएगा। 10 नंबर का डेटा यहां से हट गया होगा और 20 और 30 का आ रहा होगा, जैसे यहाँ रिजल्ट में दिख रहा है। तो फ्रेंड्स माइनस बहुत ही सिंपल एक ऑपरेटर है जिसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं। पूरी पूरी टेबल का डेटा ये माइनस कर सकता है बेस्ड ऑन डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन। आप इसको एक टेबल पे और डिफरेंट टेबल पे भी एग्जीक्यूट कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सो दोस्तों एक छोटा सा एग्जांपल था माइनस के लिए। सो होपफुली दोस्तों माइनस का ये छोटा सा ऑपरेटर आपको इजीली अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया हो, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, सो दैट कि आपके पास इस तरीके के छोटे छोटे नॉलेज भरे वीडियोस आपको मिलते रहे। साथ में दोस्तों मेरी इस मुहिम को अप्रिशिएट करने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और पढ़ते पढ़ते लिखते लिखते अगर थोड़ी बहुत बोरियत हो गई हो तो मेरे ब्लॉग चैनल पे जरूर विजिट कीजिएगा। सो दोस्तों फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।